है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम फ्रैक्शन करते हैं कि फ्रैक्शन इज इन इक्वल पार्ट ऑफ द होल, यानी जो होल होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। टुडे हम विल स्टार्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज 4.4। उसके पहले हम थोड़ा ये समझेंगे कि 3 क्वार्टर तक हमने सोचा समझाया था कि 1 क्वार्टर सिखाया था, आज आपको हम 3/4 ऑफ द क्वार्टर का समझाएंगे। 3/4 3/4 और 3 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स जिस तरह से हमने 1 क्वार्टर आपको कराया था समझाया, उसी तरह से 3 क्वार्टर भी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टोटल पार्ट है, कितने पार्ट में, 1 2 3 4 कितने पार्ट में, 1 2 3 4 यानी आप इसको इस तरह से सुनते 4। अब आपका ये पार्ट आपका कलर किया हुआ है, टोटल का आपका एक पार्ट समझ लीजिए कलर किया हुआ है, तो टोटल कितने पार्ट में, 1 2 3 4 उसमें शेड कलर कितने पार्ट में, 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 यानी टोटल का 1 भाग कलर किया गया है, 1/4 कलर किया गया है। उसी तरह यहां पे 2 भाग कलर किया गया है, जिस तरह से हम 3 क्वार्टर बनाएंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। 3 क्वार्टर कैसे होता है, 3 टोटल पार्ट कितना है, ऊपर के पार्ट को हम नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर, तो टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 तो 4 हमने लिख दिया, टोटल 4 है, 4 का कितना पार्ट वो है कलर, 1 पार्ट यानी 1/4 प्लस 1/4 यानी 1 पार्ट का टोटल का 1 भाग, 1/4 टोटल का 1/4 इस पर भी कितना हो जाएगा, 2/4 तो हम 2 बन जा एंड 2 जा, यानी टोटल का टोटल जो ये स्क्वायर है उसका कितना पार्ट कलर है, हाफ 1/2 यानी हाफ कलर। अब उसी तरह अब आपने 1/1 क्वार्टर निकाल दिया, हाफ निकाला, अब आपको इस तरह यहां आपको 3 पार्ट कलर करना है, कितने पार्ट, 3 पार्ट, यानी इस तरह से आपका ये हो गया 1/4, ये हो गया 1.5/2 और यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3, जैसे कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4, इस तरह से 3/4 को हम क्या कर सकते हैं, 3 क्वार्टर भी बोल सकते हैं। अगर पार्ट होल का एक पार्ट कलर है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4, 2 पार्ट कलर है तो 1 यानी 2/4 क्या है, टोटल का हाफ भाग कलर किया गया है, और अगर 3 भाग कलर है 1 2 3 तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 3/4। जैसे एग्जाम्पल में 3/4 मल्टीप्लाई 12, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/4
मल्टीप्लाई ट्वेल्व को आप ऐसे लिख सकते थ्री मल्टीप्लाई ट्वेल्व अपॉन फोर। तो फिर क्या कर सकते हैं आप, सर्कल द थ्री फोर्थ ऑफ ईच कलेक्शन, राइट द आंसर। इसमें आपको एट वर्ड दिए गए हैं, उसको आपको थ्री फोर्थ फाइंड आउट करना है। जैसे कि थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई ऑफ एट इक्वल टू थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई एट। अब आपको यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी आपको फोर को एट से, एट को फोर से कट करना है। फोर के टेबल में एट कितनी बार में आता है, एट टू जा फोर टू जा एट, तो फोर टू जा एट आएगा, टू आपको यहाँ लिखना है और फोर वन जा वन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करना है, थ्री टू जा सिक्स। या आप इस तरह यहाँ भी इस तरह से भी कर सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई एट अपॉन फोर, तो थ्री एट जा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड फोर, तो फोर सिक्स जा 24। या आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कितना, थ्री फोर, एट का थ्री फोर कितना है सिक्स, तो आपको सिक्स बॉर्ड के ऊपर सर्कल करने हैं।
कंप्लीट। Now B number, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। उसी तरह हमको नीचे भी टेन बनाने हैं, राइट। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। तो आपको कितने का थ्री फोर्थ काउंट करो फाइंड करना है, ट्वेंटी ट्वेंटी कार्ड के ट्वेंटी टाइप के आपको थ्री फोर्थ काउंट करना है। इसको भी आपको किस तरह करना है, थ्री फोर्थ मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल थ्री अपॉन फोर्थ मल्टीप्लाई ट्वेंटी इज इक्वल टू। अब थ्री के टेबल में ट्वेंटी कितनी बार में आता है, फाइव बार में, सॉरी फोर के टेबल में ट्वेंटी कितनी बार में आता है, फाइव बार में, फोर फाइव जा ट्वेंटी। अब ये जो फाइव आया आपको यहाँ पे थ्री है तो फोर थ्री जा फिफ्टीन, तो आपको आंसर क्या आएगा फिफ्टीन। तो आपको ट्वेंटी में थ्री फोर काउंट की तो आपको कितना काइट पे सर्कल करना है फिफ्टीन, यानी यहाँ से आपको सर्कल करना है यहां तक के काइट को आपको 15 काइट को सर्कल करना है। कंप्लीटेड। नाउ सी नंबर,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, कितने एप्पल हैं? ट्वेल्व एप्पल है। आपको ट्वेल्व एप्पल का थ्री फोर फाइंड आउट करना है, तो थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व। थ्री अपॉन फोर ऑफ ट्वेल्व, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व। अब आपको देखना है फोर के टेबल में ट्वेल्व कितनी टाइम आता है। फोर के टेबल में ट्वेल्व थ्री टाइम, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व। तो अब ये जो थ्री बचा इसको आपको इस नंबर थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, यानी ट्वेल्व का थ्री फोर कितना हुआ? नाइन, यानी आपको नाइन एप्पल पर सर्कल करना है। ये आपका सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरह से आपको सर्कल करके ले जाना है, नाइन एप्पल पर सर्कल करना है। मम्मी जी
इन योर मैथ्स नोटबुक। एंड एक्सरसाइज 4.4 का जो सेट है उसको आपको कलर भी करना है। कलर द एक्सरसाइज 4.4। नाउ थैंक यू। We'll be right back.